How do you feel right now? मैं उसके रूप का शहदाई, वो धूप जाऊं सा हर जाई, वो शोक का रंग बदलता है, मैं रंग रूप का सौदाई, मैं रंग रूप का सौदाई। तो वेलकम बिग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए ब्लॉग के अंदर। और दोस्तों जो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है वो कोटा दशहरा मेला का होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी मेला स्टार्ट होने वाला है दशहरे के बाद। और दोस्तों यहां पर मैं अभी एंटर हुआ हूं, गेट नंबर 2 से हुआ हूं, आप यहां पर पीछे देख सकते हो। तो दोस्तों यहां पर इस बार ना मेले में काफ़ी बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट आए हैं, जैसा कि दोस्तों कश्मीर केदारनाथ वगैरह, मतलब कुछ ऐसे सेट आए हैं, स्कून का सेट भी आया हुआ है, और दोस्तों अंडर वाटर वो फिश वगैरह का सेट है ना भारत, वो भी कुछ आया हुआ है। तो जितने भी बड़े बड़े सेट है इस बार मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जितना भी मतलब जितने भी नई चीज़ें वगैरह मेले के अंदर आई है, है ना भारत भाई। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या नई चीज़ें मेले के अंदर आई है, और दोस्तों क्या क्या आपको नया देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर से। आप इंटरेस्ट से अंदर आओगे, यहाँ पर आपको गेट नंबर 6 दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों गेट नंबर 6 के अंदर यहाँ पर है ना आपको बिल्कुल कश्मीर की फीलिंग मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर जो सेट लगाया है, मतलब काफ़ी बड़ा सेट लगाया है दोस्तों, और यहाँ पर आपको फीलिंग आने वाली बिल्कुल कश्मीर की। मतलब कि दोस्तों सेट पे जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि आप कश्मीर में घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक डोला लगा हुआ है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बन रहा है, वो जो ऑलराउंडर चारों मेर घूमने वाला होता है। सामने आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कश्मीर वाला सेट है, ठीक है। तो मैं वहीं पर अंदर चल के आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट होगा, वो भी मैं आपको चल के दिखाऊँगा। तो सबसे पहले अपने सेट के अंदर चलते हैं, यहाँ पर कश्मीर वाले सेट के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है भाई साहब। और जो दोस्त है ना, मतलब जो टिकट होता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, कलर कर रहे हैं यहाँ के बंदे, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनाते हैं रहने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काम कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ यहाँ पर बना रहे हैं, इधर यहाँ पर कलर कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। जहाँ से भी सेट आता है ना, मतलब सारा को यहाँ पर रिफैक्चरिंग किया जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पोस्टर कश्मीर का, ठीक है। तो इसके अंदर बिल्कुल जैसा आपको नज़र आ रहा है वैसा ही सेट मिलने वाला है। यहाँ पर हमारे भारत भाई खड़े हैं, देख सकते हो आप एंटर गेट इसका कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप जैसे उतरोगे नीचे आपको सीढ़ियाँ वगैरह मिलेगी, देख सकते हो कुछ फ्लावर्स की डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर है, ये वाला कुछ सेट इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अंदर की साइड चलते हैं तो देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है हर एक चीज़ पर, ऐसे ही नहीं होता। यहाँ पर ही देख सकते हो कुछ इस तरीके से टर्नल बनाया हुआ है, यहाँ पर हमारे भैया काम वगैरह कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से जनरेटर चल रहा है, तो लाइटिंग वगैरह चल रही है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से अंडर वाटर टनल है ये वाला, इसमें एग्जास्टर वगैरह लगा रखा है, एक ऑक्सीजन वगैरह की हर जगह पे, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। यहाँ पर हमारे भैया बैठे हैं, तो क्या नाम है भैया आपका? जान, कहाँ से हो भैया आप? लखनऊ से आए, मतलब ये सेट यहाँ पर दोस्तों ये सेट है ना लखनऊ से आया, और मुझे पता है वहाँ तक कितने साल हो गए कोटा में पहली बार आया है। तो भैया क्या चीज़ है, मतलब आप बताना चाहोगे? मतलब कश्मीर बन रहा है, बिल्कुल कश्मीर वाला फील आएगा इसके अंदर, कूलिंग होगी, बारिश स्नोफॉल होगा, अच्छा सब दिखाई देगा जैसे कश्मीर में शो होता है। तो ये अंदर कूलिंग होगी, बाहर सारा स्नोफॉल होगा, जैसा कि दोस्तों आप कश्मीर में जाते हो, यहाँ पर ये अलग अलग सेट बने हुए हैं, मतलब अलग अलग सेट है, मतलब कश्मीर का पूरा माहौल दिखा। अच्छा, तो भैया इसका टिकट वगैरह क्या रहने वाला है उस टाइम पे? ₹100। तो उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टिकट की जानकारी दूँ, तो यहाँ पर नॉर्मली ₹100 तो जरूरी है, और दोस्तों हर एक चीज़ का कोटा में रहता ही है यहाँ पर मेले में। आगे का सेट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर टर्नल है, ये देख सकते हो, इधर हमारे भारत भाई आ रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। तो यहाँ पर ऊपर भी जो भी आपको चद्दर वगैरह नज़र आ रहे हैं वहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है ना सब पे ना वाल पेपर लगने वाले हैं कुछ इस तरीके से, और पहाड़ वगैरह जो बनेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से, थर्माकोल के या फिर दोस्तों POP के हैं, जो कि दोस्तों ना फर्जी होने वाले हैं, मतलब जिनको कि दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर एक काम चल रहा है POP का, पहाड़ बना रहे भैया यहाँ, क्या भैया क्या बना रहे हो? वाटर फोर्स यहाँ पर भैया बना रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे सामान वगैरह यहाँ पर लगते हैं, बहुत सारा यहाँ पर कचर पचर हो रहा है। नमस्ते अंकल जी, ये सारा है ना बर्फीला बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं आपके सामने जो भी है, बिल्कुल कश्मीर की फील आने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाउस बनाए हुए हैं,
जब आप इसमें घूमोगे ना तो आपको ऐसा फील आएगा वाकई में कश्मीर में घूम रहे हैं। तो सेठ काफी खतरनाक है भाई साहब, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर खोदा हुआ भी है, नॉर्मली देख सकते हो यहाँ पर ना पानी की लेयर बनाई है जिसमें कि दोस्तों पानी है ना आउट होता रहे, तो इससे क्या फील होगी दोस्तों कि ना आप नॉर्मली कश्मीर में घूम रहे हो। आगे की साइड में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो एक मकान यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अभी तो इसके अंदर कपड़े वगैरह यहाँ पर टके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ख़तरनाक सेट यहाँ पर बनाए हुए भाई साहब। इधर मैं आगे आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे कुछ इस तरीके से सारे सेट हैं यहाँ पर, है ना, हाँ फूल्स वगैरह है देख सकते हो, ये फ्लावर से अलग अलग ये देख सकते हो। और आगे का सीन यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर भी एक सेट है कुछ इस तरीके से सारा, है ना, बहुत बड़ा अंडर वाटर टनल है दोस्तों, मतलब टनल ही है, यहाँ पर स्नोफॉल होने वाली है और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से सब पे वॉलपेपर लगाए जाएंगे। यहाँ पर जस्ट हम यहाँ पर कश्मीर से बाहर निकले हैं और दोस्तों यहाँ पर एक अलग ही सेट लगा हुआ है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं उस सेट के अंदर आया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल दोस्तों धार्मिक सेट होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे का कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ऊपर है ना कुछ इस तरीके से डॉग बना हुआ है ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ पर है ना मतलब ये स्कून का टेम्पल वगैरह होने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे प्रभु जी है, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जैसा कि अभी मेले में फर्स्ट टाइम बन रहा है स्कून का टेम्पल, इससे पहले बना है तो पहली बार ये यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राम मंदिर राम झांकी रहेगी, पूरा राम मंदिर बना रहे हैं, राम जी से रिलेटेड जो राम पथ है राम जी से रिलेटेड सारी झांकियाँ रहेंगी यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब राम जी रिलेटेड जितने भी जाके होने वाले सारे, तो ये मतलब बिल्कुल सेट से बना रहे हो, सेट बना रहे हो सारी चीजों का प्रभु जी। अच्छा। ये सेट के हिसाब से रहेगा, चार धाम की भी झांकी रहेगी इसमें। अच्छा, इसमें जैसे जगन्नाथपुरी केदारनाथ देखेंगे, भगवत गीता प्रदर्शनी है, जन सामान्य को भगवत गीता के बारे में जागरूक करने के लिए भगवत गीता प्रदर्शनी है, वो यहाँ पे हमारे जो सनातन संस्कृति के बारे में जाने, ज्यादा से ज्यादा वेदों के बारे में जाने, ग्रंथों के बारे में जाने, तब जाके हमारी सनातन धर्म की पकड़ और मजबूत होगी। अच्छा, तो गुरु जी मतलब कब तक रेडी हो जाएगा प्रभु जी? ये कल शाम तक रेडी हो जाएगी, 5 तारीख को हाँ, अभी 4 अक्टूबर को, तो 4 अक्टूबर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, प्रभु जी ने मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें जो भी दोस्तों प्रभु जी ने आपको बताई उन सबका यहाँ पर सेट लगेगा, देख सकते हो यहाँ पर मंदिर वगैरह के ये कुछ स्ट्रक्चर वगैरह है यहाँ पर, और जैसा कि प्रभु जी ने बोला यहाँ पर जो मतलब भगवत गीता है यहाँ पर देख सकते हो आप उसके अध्याय यहाँ पर के लगे हुए, तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ पर ये कुछ मूर्तियाँ वगैरह है प्रभु जी की देख सकते हो, भगवान की ये मंदिर की स्ट्रक्चर वगैरह है आप यहाँ पर देख सकते हो, और भी यहाँ पर है ना काम चल रहा है इधर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर काम चल रहा है, ये टेम्पल्स वगैरह के जो ऊपर के होते हैं ये देख सकते हो यहाँ पर, ये इधर मूर्तियाँ वगैरह है जो कि दोस्तों पैक हो रही है सारी की सारी, आप यहाँ पर देख सकते हो ये, और इधर है ना आपको हनुमान जी की मिल जाएगी प्रतिमा बहुत ही बड़ी, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर तैयार हो रहा है, और दोस्तों यहाँ पर भी हर एक चीज़ में देख सकते हो आप, यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो जय श्री राम, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारा सेट बनाया हुआ है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर अशोक वाटिका गेट नंबर 6 से बाहर निकलोगे आप एंटर हो जाओगे गेट की तरफ मतलब कि देख सकते हो गेट नंबर 5 है जिसमें कि दोस्तों अपन यहाँ पर अंडर चलने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जितना भी मार्केट आपको पीछे नजर आ रहा है सारा झूला मार्केट होने वाला है, और अभी यहाँ पर काम चल रहा है मतलब चीज़ों का, आप यहाँ पर देख सकते हो सारा खुला पड़ा हुआ है, एक एक चीज़ को है ना यहाँ पर अच्छे से जमाते हैं, देख सकते हो आप सारी चीज़ों को यहाँ पर पेंट करते हैं, यहाँ पर ये भैया पेंट कर रहे हैं। तो हेलो भैया, नमस्ते। तो भैया जहाँ पर भी आपका सेट लगता है सारी चीज़ पेंट होती है जी जी, तो ये देख सकते हो मतलब जहाँ पर भी डॉलर वगैरह को लगाते हैं या फिर इन चीज़ों को लगाते हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर रिपेंट करते हैं। अभी ना दुकानें वगैरह सारी खुली है, मतलब अभी ना इतनी दुकानें वगैरह नहीं लगी है,
लेकिन तो जो मोस्टली बाहर की दुकान है वो यहाँ पर आ चुकी है, जैसे लखनऊ वगैरह से ये पन्ना लाल जी का प्रसिद्ध पकौड़ा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मतलब पूरा सेट नहीं हुआ है, अभी लाइटिंग वगैरह यहाँ पर चल रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दुकानें वगैरह आ चुकी है, इधर भी काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सामने मंदिर आया माता जी का, यहाँ पर ये ब्रेक डांस वगैरह सब कुछ, इन सब का वजह रात में आने वाला है, आपको पता है, देख सकते हो आप यहाँ पर। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो डॉलर मार्केट की जस्ट साइड में, यहाँ पर ये पिस्ट अंडर वाटर टनल बन रहा है ना मछली वाला, ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर अंडर वाटर टनल के अंदर एंट्री मारोगे आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको सीन मिलने वाला है, फर्स्ट में कुछ इस तरीके के फोटोज वगैरह मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का टनल है, उसके अंदर भी मैं आपको लेके चलूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिलेगी, ठीक है, इसको पूरा अच्छी तरीके से सेट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये वाला एक लाइन ये वाली होने वाली है, और दोस्तों एक लाइन ये वाली होने वाली है, जिससे कि दोस्तों अंदर आपको ना पोस्टर वगैरह मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब जितने भी मच्छियाँ वगैरह है, देख सकते हो आप पानी के अंदर मच्छियाँ यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से जो ग्लास लगा हुआ है, इसके पीछे पोस्टर है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे भाई सिनेमेटिक शॉट निकाल रहे हैं भरत भाई। चले दोस्तों मैं यहाँ पर आगे का दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत। जैसे मैं इसके अंदर आया हूँ यहाँ पर मेरी आवाज़ गूंज चुकी है, और आप देख सकते हो अभी आपको नज़र आ रहा होगा तो अंधेरा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, मैं इसके अंदर ही यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी मच्छियाँ वगैरह दिखाता हूँ, ये देख सकते हो मच्छी वगैरह नज़र आ रहा है ये। सजन मिलावरा सजन मिलावरा सजन मिलावरा मोरे आंगन को आज रंग है मारंग है आज रंग है मारंग है मोर महबूब के। तो दोस्तों ये था अंडर वाटर टनल, आपने जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, और यहाँ पर भी कंप्लीट हो रहा है कुछ इस तरीके का सेट है, देख सकते हो। कब तक कंप्लीट हो जाएगा भैया, कब तक कंप्लीट हो जाएगा भैया, हेलो भैया कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, तो मतलब लगभग जितने भी प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर मेले में वो एक दो दिन के अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि लगभग सभी बता रहे हैं कि एक या दो दिन के अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे बाहर निकल के आ चुके हैं ये वाला, और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये अंडर वाटर टनल कुछ इस तरीके से नज़र आता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से ना यहाँ पर इन्होंने गेट बनाया हुआ है, और दोस्तों एक मतलब जितना भी सारा सेट बनाया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों जैसा कि अपन इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर अंकल जी कहाँ से लगाए सेट? ये हम उदयपुर से आए हैं। उदयपुर से जी, ये तो बरबनी का महादेव का बेहतरीन और ये शानदार गुफा बनाई हुई है। अच्छा, तो मतलब इसमें बिल्कुल अमरनाथ वाली फील है? बिल्कुल अमरनाथ वाली फीलिंग आएगी, जिस तरह अमरनाथ में अपन जाते हैं वहाँ जो फीलिंग है सेम वही फीलिंग इसके अंदर आएगी, धार्मिक आयोजन है। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अंदर की साइड चलते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेट होने वाला है, ये जितने भी मूर्तियाँ वगैरह है आप यहाँ पर देख सकते हो लगी हुई है, मतलब इनको सेट किया जाएगा। ये जितना भी सारा ऊपर ही नज़र आ रहा है आपको, जो कुछ भी है आप यहाँ पर देख सकते हो, जितना भी सारा व्हाइट पर्दे से सेट बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से रैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर भी आप साथ में देख सकते हो मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई है, सारा कुछ ना पर्दों से कवर किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा यहाँ पर सेट है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, अंदर आपको बिल्कुल है ना अमरनाथ जी की फीलिंग आने वाली है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर कुछ वाटरफॉल का काम होने वाला है, यहाँ पर भी कुछ है ना मूर्तियाँ वगैरह लगाई हुई है, और सारा देख सकते हो आप रैप अमरनाथ जी का यहाँ पर लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो आप जब भी आओगे सारी फील आपको यहाँ आओगे ना तभी पता लगेगी, यहाँ पर भी कुछ कलर वगैरह हो रहा है देख सकते हो आप। तो दोस्तों टिकट की बात करें तो जैसा कि अंकल जी ने अपन को बोला कि 50 रुपये के आसपास इसका टिकट होने वाला है, तो टिकट भी नहीं है वैसे ज़्यादा। और दोस्तों सारा सेट है ना अभी यहाँ पर कम्प्लीट ही हो रहा है, आप देख सकते हो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, इस शिवलिंग है बड़ा बार देख सकते हो आप। आप
यहाँ पर अमरनाथ गेट से बाहर निकलोगे आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको वापस खाने पीने की दुकानें मिल जाती है। इधर सामने आपको है ना वॉशरूम वगैरह जन सुविधाएं मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों बहुत से भाई लोगों को है ना मेले में नहीं मिल पाती, ठीक है। और बहुत ही पकौड़े आते जहाँ हमारे भारत भाई के मुँह में पानी आ रहा है। चलो भारत भाई आगे की साइड चलते हैं। तो यहाँ पर भी ना दोस्तों आप देख सकते हो अभी यहाँ पर सारा काम चल रहा है कुछ इस तरीके से, दुकानें वगैरह यहाँ पर अभी सेटअप ही हो रही है। तो दुकानें वगैरह तो आपको क्या दिखाना है, लग रहा है आपको कि तो पहले से अलग ही होने वाला है। तो अगर ना आप मतलब तीन चार चीज़ें ऐसी नई आई है दोस्तों जिन्होंने जो कि ना मेले की रौनक बना देगी। अब दोस्तों अपन चलते हैं रंगमंच की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रंगमंच पर चलते हैं और दोस्तों आपको दिखाते हैं रंगमंच का सेटअप इस बार कैसा है। दोस्तों ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है भाई साहब, पसीने पसीना हो रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं रंगमंच पे, आप यहाँ पर देख सकते हो सामने ना रंगमंच का सेट है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लिखा हुआ है विजय सिंह रंगमंच, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और इस बार ना लगभग मेरे को पता है वहाँ तक कोटा में ना जितनी भी नई चीज़ें लगी है सारी को ना रिपेंट किया हुआ है, नगर निगम के बोर्ड वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपेंट। तो यहाँ पर ये वी आई पी सोफाज वगैरह है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो जो रंगमंच तीनों भाइयों के पुतले ना यहीं पर लगाए जाएंगे और यहीं पर जलाया जाएगा। यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ तो सारा दशहरा मेला कुछ इस तरीके से नज़र आता है। यहाँ पर ये दूसरा डॉलर मार्केट नज़र आता है, यहाँ पर नीचे पुलिस कंट्रोल रूम नज़र आता है, नीचे कुछ इस तरीके से देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारा डॉलर मार्केट वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं भाई साहब मेले के दूसरी साइड है ना भारत भाई, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं चरकस वाला कुछ सेट आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो द ग्रेट गोल्डन चरकस देख सकते हो भाई साहब कुछ इस तरीके से, बहुत ही बड़ा सेट होने वाला है देख सकते हो कुछ इस तरीके से एंट्री गेट वगैरह चरकस के जितने भी शो होने वाले हैं देख सकते हो आप वहाँ पर कुछ इस तरीके से फोटोज जो कि दोस्तों रियल फोटोज है इन्होंने क्लिक करवाए हुए हैं चरकस के, इनके चरकस के फोटोज है आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से स्टैंड वगैरह है। तो ये सारा कुछ सेट है और दोस्तों देख सकते हो कितना बड़ा गेट है वहाँ से लेके यहाँ पर ग्रेट इंडियन सर्कस लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा इनका सेट बना हुआ है और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको दिखाया सारा कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी साइड और दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो है भाई साहब इसका मेन गेट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अंदर टेंट लगा हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा सेट है यहाँ पर रेडी कर रहा है ये देख सकते हो, वहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई है। तो है ना मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ बनेगी क्या चीज़ नहीं बने, बाकी है ना देख सकते हो सारा कुछ चरकस का जो भी होने वाला है यहीं पर होने वाला है ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट बनाया हुआ है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर अभी काम चल रहा है देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पर रेडी हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो चरकस का कुछ इस तरीके से। बाकी मैं अगर आपको आगे की साइड दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे कुछ फोटोज वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ काम वगैरह किया हुआ है और यहाँ पर भी ये सेट बनाया हुआ है। तो ये बाकी सब कुछ सारा चरकस का सेट है जो कुछ भी आप देख सकते हो यहाँ पर, नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत ही बड़ा होने वाला है जो भी होने वाला है, क्योंकि देश को जैसा कि मैंने भैया से पूछा कि भैया क्या होने वाला है तो उन्होंने बोला कोई बता नहीं सकते, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये। तो यहाँ पर काम चल रहा है इस तरीके से, यहाँ पर पता नहीं क्या प्रोजेक्ट बन रहा है देख सकते हो आप यहाँ पर। तो दोस्तों ये था सर्कस का सेट आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी दोस्तों यही था मेले का वीडियो, इसके अलावा जितनी भी मेन मेन चीज़ें थी मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है जो कि दोस्तों मेले का लास्ट पार्ट था हमारा चरकस, जो कि दोस्तों मेले के सेकंड साइड तरफ पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिखाया मतलब जितने भी मेले में बड़ी बड़ी चीज़ें आई थी या फिर दोस्तों नई नई चीज़ें आई थी इस साल। बाकी आपको पता है मेले में दुकानें वगैरह जो होती है वो तो होती है, लेकिन दोस्तों जो इसमें इस साल अटकी चीज़ें आई थी वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म, और हमारे भारत भाई हम दोनों साथ में लगभग सारे मेले को घूम चुके हैं, लगभग हम यहाँ पर 3 घंटे घूम के हो चुके हैं। बाकी 3 घंटे की रिकॉर्डिंग में हमने आपको जो भी दिखाई 15-20 मिनट की क्लिप ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किए प्रॉपर जो पूरा पार्ट था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम दोस्तों।